हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडबायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे भाई आपकी दबी हुई नसों की प्रॉब्लम हो या फिर आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या फिर नसों से जुड़ी मतलब कि नर्व रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है R70। डॉक्टर रेकवेग कंपनी की मेडिसिन आती है जिसका नाम है R70। तो फ्रेंड्स, R70 मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है अगर आप लोगों को नर्व से रिलेटेड कोई भी इंजरी हुई है या फिर किसी प्रकार का नर्व से रिलेटेड पेन है। अब आप लोगों को समझ में कैसे आएगा कि आप लोगों को नर्व से रिलेटेड पेन है? तो फ्रेंड्स, नर्व से रिलेटेड पेन ऐसा होता है कि भाई ट्रैवल करता है। जैसे कि अगर आप लोगों को इधर से दर्द हो रहा है तो इधर से लेके नीचे तक दर्द होगा, पीछे कमर से लेके थाइस तक मतलब कि पीछे जांघों तक दर्द होगा या फिर वह दर्द नीचे एड़ी तक भी जाएगा। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक दुख रहा है मतलब कि ट्रैवल कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि 90% चांसेस हैं कि वह आप लोगों का नर्व रिलेटेड ही पेन होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारे पीछे जो बोन्स रहती हैं उनमें से जब नर्व्स निकलते हैं और उनका कहीं पर भी कंप्रेशन होता है फिर कहीं पर भी उनका इरिटेशन होता है, तो जहाँ तक वो नर्व जाती है वहाँ तक हमें पेन होता है। तो फ्रेंड्स, यह तो थी कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि आप लोगों को नर्व रिलेटेड पेन है। दूसरा तरीका यह होता है कि जब भी आप लोग कोई MRI करवा रहे हैं और उस MRI में आप लोगों को डॉक्टर ने बता दिया है कि नर्व से रिलेटेड पेन है, आप लोगों को न्यूरेल्जिया है आप लोगों को, तो आप लोग उनके कहने से भी समझ सकते हैं कि आप लोगों को नर्व का पेन है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करते हैं वह आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग पेन किलर्स लीजिए या फिर ऑपरेट करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऑपरेट करवाने से बहुत डरते हैं क्योंकि जब भी स्पाइन की कोई भी सर्जरी होती है तो वह बहुत ज़्यादा रिस्की सर्जरी होती है और सभी लोगों को इसको करवाने में डर लगता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए हम लोग बात करने वाले हैं R70 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो को भी स्किप करके देखेंगे तो गलत तरीके से मेडिसिन को लेंगे और फिर आपको ये मेडिसिन असर नहीं करेगी। फिर आप लोग बोलेंगे कि होम्योपैथी ने हमारे लिए वर्क नहीं किया है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुँचती रहे और आप हमारे स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी और मेडिसिन मिलाई गई, मतलब कि कंपोजिशन क्या है इस मेडिसिन का। तो इसमें मिलाया गया सेड्रॉन, कोलोसिंथ, कालमिया और वर्बेस्कम जैसी मेडिसिन। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी मेडिसिन ही बहुत अच्छी हैं अगर आप लोगों को नर्व इंजरी हो रही हो या फिर आप लोगों को नर्व डैमेज हुआ हो किसी प्रकार का या फिर कोई भी इरीटेशन हो रही हो, तो यह सारी की सारी मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और सेड्रोन आप लोगों को उस टाइप के नर्व पेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है जो कि पीरियडिकल वे में आता है। मतलब कि आज 4 से लेकर 6 बजे तक दुख रहा है, कल भी 4 से लेकर 6 बजे तक कहीं पे आपको पेन हो रहा है और बिल्कुल खिंचता हुआ शार्प शूटिंग पेन हो रहा है, इरिटेबल पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क दिखाती है। फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी खिंचता हुआ शार्प शूटिंग पेन होता हो, नर्व से रिलेटेड कोई भी पेन हो, आपके डॉक्टर्स बोलते हैं कि यह नर्व इंजरी है, न्यूरेल्जिया है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है और किसी भी प्रकार की नर्व से रिलेटेड पेन हो, तो आप लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है। तो आप लोगों को इसकी 20 बूंद 1/4 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर में इसको डाल लेना है और आप लोगों को इसको घोल के पी लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि अगर आप लोग इसको एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को हर 20 से लेकर 25 मिनट में इसको रिपीट करना है, तो आप लोगों को 4-5 डोज लेने के बाद आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि लंबे समय से प्रॉब्लम है और कोई अभी एमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो आप लोग इसको दिन में 2 बार सुबह शाम आधे कप कुनकुने पानी में 20 बूंद लीजिए और आप लोग देखेंगे कि जब आप इसको 15 दिन तक 1 महीने तक ले रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब आप इसको 2 से लेकर 3 महीने रेगुलर ले लेते हैं तो आप लोगों को पूरी तरीके से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, अगर आप लोगों को ज़रूरत है किसी और भी होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट हमसे भी करवा सकते हैं। हम आपकी केस टेकिंग करेंगे और उसके बाद आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके घर पर भेजेंगे। फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप लोगों को इस मेडिसिन का पूरी की पूरी जानकारी दे पाई होगी। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ नीचे देकर कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर लगता है कि वीडियो नॉलेजेबल था, दूसरों के साथ हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सारी वीडियो पहुँचती रहे और आप अपना स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।